प्रिय साथियों, संतों का जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित होता है। महापुरुष का काम किसी की बात को जटिल करना नहीं बल्कि महापुरुषों का कठिन बनाना नहीं बल्कि महापुरुषों का काम कठिन को आसान बनाना होता है। जैसे डिक्शनरी होती है, शब्दकोश होता है, उसके अंदर कठिन से कठिन शब्द का सरल अर्थ होता है। कैसे शब्द का उच्चारण किया जाता है, उसका क्या अर्थ है, उसका क्या उपयोग है, यह शब्दकोश के अंदर, डिक्शनरी के अंदर यह बताया जाता है। इसी प्रकार महापुरुष के अंदर के ज्ञान को जटिल नहीं बल्कि सरल बनाकर मानव को उद्धार करते हैं। संतों की बड़ी ऊंची भावना होती है। आपने देखा कि लोग जो संस्कृत जानते हैं, हमारे वेद शास्त्र श्रुति स्मृति की संस्कृत नहीं समझ सकता है, ईश्वर की उपासना के लिए जो श्लोकों का उच्चारण नहीं कर सकता है, उसके लिए उन्होंने रामचरितमानस को लिखा, उसको सरल करने के लिए तो बहुत बड़ा विवाद छिड़ गया कि उन्होंने शास्त्रों को और इतना आसान क्यों कर दिया, जनमानस के भाषा में क्यों लिख दिया। तुलसीदास जी ने कहा, भाई जब तो मैंने ग्रंथ की रचना कर दी, मेरा ग्रंथ तो बड़ा तुच्छ है, छोटा है, इसे नीचे रख दो और इसके ऊपर सभी शास्त्रों को रख दो। लोगों ने ऐसा ही किया, रामचरितमानस को नीचे और ऊपर सभी शास्त्रों को रख दिए और झोपड़ी में उनको बंद कर दिए। कहा, भाई जब तू परमात्मा की निर्णय करेगा कि कौन बड़ा और कौन छोटा है। यह कथा आती है कि रामचरितमानस अपने आप ऊपर आ गई। जब सवेरे लोगों ने देखा तो रामचरितमानस ऊपर रखे हुए मिली, अर्थात परमपिता परमात्मा ने यह सिद्ध कर दिया कि रामचरितमानस सर्वोपरि है। उसका एकमात्र कारण यह है कि ज्ञान लाभ ऋषि मुनियों का अनुभव सबको मिला, क्योंकि उस संत की, उस महापुरुष की यह भावना थी प्रत्येक जनमानस, प्रत्येक व्यक्ति उससे लाभ उठाए। जैसे आपने देखा कि लोग कैंपा कोका भी पीते हैं, नाना प्रकार के पेय भी पीते हैं और नाना प्रकार के शरबत पीते हैं, पर जो श्वास ठंडे जल से बुझती है, साधारण जल से बुझती है, वह अनेक प्रकार के पेय पदार्थों से नहीं। शताब्दी चाहे 22वीं का हो, सारी मशीनें बना ले कैप्सूल फॉर्म में से बना दिए कि गोली खाई और खाना खा लिया तो भी प्यास लगने पर निर्मल जल ही पीना पड़ेगा। इसी प्रकार हमारे साधु संतों ने कहा कि भजन तो तुम्हें करना ही पड़ेगा और भविष्य में भी अगर कोई व्यक्ति कल्याण चाहता है तो उसको भी भजन सुमिरन करना ही पड़ेगा, इससे तुम बच नहीं सकते। आज कहो करो चारे कल करो, पर कल्याण के लिए भजन करना ही पड़ेगा। मानव धर्म संदेश 1994। प्रिय साथी, एक जरूरी सूचना है, अगर आप भी सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज जी के ज्ञान विज्ञान युक्त प्रवचन और दिव्य सत्संग से लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो मानव धर्म ऑफिशियल फेसबुक पेज या फिर यूट्यूब चैनल से जुड़े और अपने गुरु महाराज जी के अमृतमय प्रवचन को अपने जीवन में उतार कर अपना कल्याण करें। मानव धर्म के लोगों देखकर ही मानव धर्म ऑफिशियल पेज से जुड़े। जी हाँ दोस्तों, नियमित रूप से परम पूज्य सद्गुरुदेव महाराज और सभी दिव्य विभूतियों के अमृतमय प्रवचन नियमित रूप से मानव धर्म चैनल पे अपलोड हो रहे हैं। इस पवित्र और कल्याणकारी प्रवचनों को अपने साथ साथ परिवारों को और सज्जनों को भी सुनवा के अपना जो मानव धर्म का प्रचार जारी रखें। नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर सद्गुरु मारक लावे।